गाइस, तो इट्स डे 3 एंड वी आर इन उदयपुर। तो हम उदयपुर आ चुके हैं और ये है पीछे लेक फतेह सागर, और हम यहाँ पे हम स्टीम बोट करने की सोच रहे हैं। और आज हमारा प्लान है सज्जनगढ़ जाने का और पिचोला लेक, अगर सिटी पैलेस हो पाए तो वहाँ भी चले जाएंगे, क्योंकि आज का ही दिन है। हमें आज ही के दिन पूरा उदयपुर ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस हम ट्राई करेंगे कि एक्सप्लोर कर पाए। टाइम कम है बट हौसला बुलंद है। बोटिंग कर ली है, स्पीड बोटिंग कर ली है, और बहुत ही, मैंने ये फर्स्ट टाइम करी थी तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एक्सपीरियंस था, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का था, पर बहुत ही ऑसम था। और ये फतेह सागर लेक जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ तो लेक्स ही लेक्स हैं। इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी उदयपुर। एंड ये है कोमल वाशने। कोमल वाशने, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, लास्ट में क्लाइमैक्स अच्छा दिया उसने। हाँ, लास्ट में उन्होंने पूरा घुमा दिया था, फुल ऑन ऐसे 360 आगे मुंह पे, तो इट वाज वेरी गुड। तो गाइस, तो हम आ चुके हैं सिटी पैलेस और यहाँ पे राजा रानी रहते हैं उदयपुर के। ये सिल्वर और गोल्ड है। हाँ, तो राजा अपनी रानी के साथ मंदिर के पेंटिंग बनाए, 16 रानी के साथ करेंगे। यहाँ राजा अपनी 16 रानी के साथ आ रहे हैं, डांस फंक्शन घूमर देख रहे हैं, होली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी देखिए शाइन मार रहा है पूरा रियल गोल्ड। यहाँ लाइट फेस्टिवल दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेडीज डांसर डांस कर रही है। यहाँ पर हाथी को फाइट करते हुए, ये उस जमाने की पेंटिंग है भैया। उस जमाने में राजा बैठते थे झूले में, रानियाँ झूला झुलाती थी, बट नाउ डेज टाइम चेंज। दीवाने खास है जिसमें यहाँ पर राजा अपनी रानी का डांस फंक्शन देखते थे, राजा ऊपर से बैठ कर देखते थे रानियाँ विंडो में से, और लेडीज डांसर यहाँ पे डांस करती थी। खास लोगों के लिए मीटिंग्स की व्यवस्था भी यही पे की जाती थी, तो इसको मोर चौक कहा जाता है। सारा ग्लास का काम है, ग्लास इनले पच्ची कारी वर्क बोलते हैं इसको हम लोग, मोर चौक, मोर बने ग्लास के, चौक मतलब कोटियाँ, ये मोर चौक दीवाने खास। पान खाते थे, गुटखा पीते थे, रानी के साथ गेम खेला करते थे, चौकर चौकर झूला झूलते थे। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन देखिए, पुरानी पेंटिंग, पुरानी चेयर, ये डाइस गेम ऐसे होते थे, सिल्वर के आप नीचे देखेंगे, और पुराना सैंडलियर देखिए। और ये राजा भीम सिंह जी का महल है, इनकी 16 वाइफ थी, तो इनकी 16 वाइफ के लिए 16 विंडोज बनी हुई है। अभी तक थे आप राजा के पैलेस में। अच्छा, राजा के पैलेस में, अब रानी का पैलेस आएगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये पुराने बर्तन है, कमरे की जल भी खाना बनाने के इस्तेमाल किया था, कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करें, डाइजेशन अच्छा रहता है। अच्छा, कॉपर और ब्रास दोनों इस्तेमाल करें। और अब मैं आपको रानी का सेपरेट किचन दिखाने ले रहा हूं। ओके, रानी का किचन है और यहाँ पुराने यूटेंसिल्स पड़े हैं। छोटा सा चूल्हा है, चिमनी धुआं निकलने के लिए, रानी यहाँ से भोग खाती थी अपने हाथों से। ओह, ट्रेडिशनल सेटिंग में रानी बैठती थी,
लेफ्ट में गेस्ट मेहमान बैठे थे, बीच में पांडन रखा हुआ गेस्ट रिक्वेस्ट के लिए, और सगड़ी का इस्तेमाल करते थे रूम हीटर के लिए। ऊपर सैंडलियर देखिए, रूम हीटर और रूम हीटर और ऊपर देखिए सैंडलियर है, इंग्लैंड से लाया गया, पहले कैंडल बाद में लाइट लगा देती है। तो ये सारा आप देख रहे हैं, पूरा पेंट वगैरह सब ओरिजिनल ही। ओके। और उस तरफ चलने वाला फैन रखा हुआ जमीन पर, केरोसिन से, इटली से लाया गया, इसको इटालियन फैन बोलते हैं, रन बाय केरोसिन। ओके। जो रेलवे इंजन पर स्टीम बनती थी इसके अंदर, और ये सारे मिरर जो लगे फ्रॉम बेल्जियम, सारे बेल्जियम कंट्री के मिरर। गाइस हम आ चुके हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, और ये बहुत ही सुंदर फोर्ट है। ये रहा यहाँ से व्यू। चुके हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के अंदर, और ये बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर व्यू। और इतनी तेज हवा चल रही है, देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है। कोमल दवा तेज हवा है, बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड आ गए। एक बार व्यू दिखाओ, मतलब तो स्विट्जरलैंड की ट्रिप कैसी थी तुम्हारी, ये बताओ पहले। तो ये लड़कियों के लिए टिप है, जो भी लड़कियां यहाँ पे आ रही हैं, या तो बाल गंजे हो के आए या फिर बाल बांध के आए। Exactly. This is the trip from the Komal Wash. तो हम सज्जनगढ़ फोर्ट से नीचे आ रहे हैं, और यहाँ की रोड इतनी स्टीप है, तो हम ऊपर आते वक्त तो बड़ी दिक्कत हुई थी, पर नीचे आते वक्त स्कूटी ऑन भी नहीं है, हम आराम से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अपने आप स्कूटी आगे भाग रही है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। बारिश हो गई थी कुछ टाइम पहले, तो बहुत ही उसकी वजह से और ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो वी आर लकी कि आज बारिश हो गई, एक ही दिन था उदयपुर घूमने का। अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो है पिचोला लेक। तो ये रहा पिचोला लेक, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अपनी बोट शुरू हो चुकी है, और ये रहा पिचोला लेक। ये जो है वो सिटी पैलेस है, बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है, नाइस। कैसा चल रहा है कोमल एक्सपीरियंस? बारिश भी शुरू हो चुकी है, हम बीच में बहुत ही बारिश हो चुकी है। अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन भी ख़त्म होते ही पिचोला लेक, और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं अपना सामान लेने, और हमारी बस 10 बजे की है। बहुत ही अच्छी सिटी है उदयपुर,
और माउंट आबू, बहुत ही प्यारी जगह है दोनों और बहुत ही अच्छा वेदर, हमारा वेदर ने बहुत साथ दिया, तो कुल मिला के राजस्थान इज वेरी ब्यूटिफुल। तो गाइस, तो फिर ये ट्रिप अब एंड होते हुए और कल जाना है हमें ऑफिस। कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऑसम, सुपर, एंड वी आर वेरी लक्की कि हमें ऐसा मौसम मिला होता है पूरा माउंट आबू में, दोनों जगह बहुत सुंदर सॉलिड मौसम था। सज्जनगढ़, डू विजिट सज्जनगढ़ इफ यू आर कमिंग टू उदयपुर। या सज्जनगढ़ बहुत अच्छा प्यारा रास्ता है, सज्जनगढ़ बहुत अच्छा फोर्ट है उदयपुर में, बहुत अच्छा, और मतलब वहाँ से जो ऊपर से व्यू आता है बहुत ही अच्छा, और वो जो रास्ता है वहाँ पे जाने का वो भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर है वहाँ की हवा। और उदयपुर में मौसम भी ऐसा हो गया, आज बारिश हो गई और सुहावना मौसम हो गया, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और माउंट आबू भी बहुत अच्छी जगह है, राजस्थान में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी ग्रीनरी भी हो सकती है, सो ऐसी ग्रीनरी राजस्थान में मिलना, दिल्ली वालों ने ऐसे सुना होगा कि सूखा, बट ऐसा नहीं होता, राजस्थान इज सूखा भी, सब कुछ है राजस्थान में, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस की जा सकती है, इतना बड़ा है राजस्थान, सो बहुत ही सुपर प्लेस है और दोनों जगह बहुत ही अच्छी सिटीज़ हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।